अभी देख रहे हो कितनी स्मूथ जा रही चिन अप। आज से 3-4 साल पहले जब मैंने मतलब जिम ज्वाइन नहीं करी थी तब भाई उससे एक भी नहीं जाती थी। जैसे अभी अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो आप भी चिन अप को लेके स्ट्रगल कर रहे होगे। सो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मेरी थोड़ा बॉडी से मत करना कि बोल रहा है 3-4 साल बॉडी इतनी है। भाई मैं अभी पिछले 10 दिनों से हॉस्पिटलाइज था और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनने देखा भी होगा मैंने स्टोरी वगैरह डाली थी काफ़ी। सो इस वजह से भी बॉडी थोड़ा मेरी कम हो गई है, मतलब मसल साइज़ गिर गया है, वेट भी मेरा 5-6 kg उड़ गया। वो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया तो वापस कर लेंगे हम। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे देखो भाई करना है, थोड़ा 2-3 ईजी स्टेप में बताऊँगा कि कैसे करना है। देखो भाई सबसे पहला क्या है, आपको आपके यहाँ पे ना फोरआर्म में पावर जनरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना भी आप पुल का मूवमेंट करते हो ना, कुछ भी आप पुल करते हो तो उसमें भाई जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो आपके फोरआर्म करते हैं। आपकी फोरआर्म जितने अच्छे होंगे ना, मतलब जितनी अच्छी पावर होगी उतना ही ज़्यादा आप पुल कर पाएंगे। आप बैक वाले दिन में देखो, आप जिम में वर्कआउट करते हो अगर बैक का, तो भाई बैक वाले दिन जो सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन होगी ना वो आपके फोरआर्म में होती है। और ज़रूरी नहीं कि आप मतलब जिम में करते हो, इसलिए मैं पीछे भी देख सकते होगे थोड़ा मतलब आउटडोर ही आया हो, कि जो कुछ लोग जैसे मेरे फॉलोअर्स मेरे जैसे कुछ गांव साइड से, उनके पास इतना इक्विपमेंट नहीं होता, जिम जा नहीं सकते, उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती, तो इस वजह से और मैं थोड़ा मैं आउटडोर ही आ गया हूँ कि भाई बिना जिम के भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मतलब सिर्फ जिम जाओगे जब ही आप कर पाओगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ इजी स्टेप, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपने फोरआर्म में पावर जनरेट करनी पड़ेगी। और फोरआर्म में पावर जनरेट कैसे होगी भाई, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, लटकना है बस, इसको सिर्फ हैंग करना है आप पकड़ के। चिनअप अभी भूल जाओ, चिनअप आपसे अभी नहीं लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लटकना है भाई, पकड़ के हैंग करो। और जैसे अभी आज आपने 10 सेकेंड किया तो अगले दिन ट्राई करो 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, मतलब हर दिन समझ रहे हो ना बढ़ाना है अपनी ड्यूरेशन को। ये आपका पहला स्टेप है कि आपको आपको हैंग करना है, ठीक है। 3-4 दिन तक भाई आप खुद देखोगे कि आपकी मतलब पहले दिन से ना, अगर आप पहले जैसे 10 सेकेंड होल्ड कर पा रहे हो सिर्फ लगातार स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे तो भाई ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर धीरे धीरे आप देखोगे आपके खुद धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो फोरआर्म की जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। एंड दूसरा आपको बताता हूँ मैं क्या करना है, दूसरा आपको भाई ये करना है, इससे क्या होता है ये स्कैपुला जो आपको थोड़ा होता है, ये जो आप चिनअप करते हो ना इसमें भी थोड़ा स्कैपुला आपका, जितना शोल्डर्स आपके अच्छे से एक्टिवेट होंगे इसमें भी आपको चिनअप में हेल्प मिलेगी काफ़ी। आपको ये भी करना है हैंड होके, जब आप अच्छी आपकी स्ट्रेंथ हो जाए, आप कुछ अच्छे सेकेंड्स मतलब हैंग करने लगो, उसके बाद में आपको ये करना है, स्टार्ट करना है, आपने स्कैपुला को एक्टिवेट करना है वापस नॉर्मल, एक्टिवेट करना है वापस नॉर्मल, इसमें मतलब उठना नहीं है जैसा मैं दिखा रहा हूँ, इस तरीके से करना है, ठीक है। ये तो हो गया अपना सेकेंड स्टेप, पहले आपको हैंग करना है, उसके बाद आपको स्कैपुला एक्टिवेट अपना करना है। कुछ दिन तक स्कैपुला एक्टिवेट करो, इसमें कोई नहीं हो तो कर सकते हो आराम से। एंड देन भाई जो थर्ड जो आपका काफ़ी बड़ा मतलब आपकी बॉडी को एक बोलते नहीं कि एक्टिवेट करेगा आपकी बॉडी को, एक मतलब उसको रेडी करेगा कि आपको अब ये करना है, आपको ये करना है। ये कैसा कहीं पे भी फ्लैट सरफेस अगर आप जिम जाते हो तो कहीं पे भी एक बार बार रख लो, या कहीं भी आउटडोर जिम में भाई हर जगह आपको ऐसा एक मोमेंट मिल जाएगा कि आपको कहीं थोड़ा सा अपनी बॉडी को ग्राउंड के पैरेलल करना है, ठीक है। इसको ऐसे लटकना है एंड ये ऊपर वो सब, ठीक है, वो सब टाइप का मतलब हाथों से पूरी अपनी बॉडी को बॉडी वेट को पुल करना है, ये करना है आपको। इसमें भी भाई आप कर लोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है, जब आप मैंने आपको बताया पहले आपको वो हैंगिंग वाला करना है, जब आप ये कर लोगे ना तो आपके हाथों में इतनी पावर जनरेट हो जाएगी कि आप ये कर पाओ। और इसमें इतना भी मतलब कुछ लगता नहीं है ज़्यादा, इतनी मतलब नॉर्मल भी अगर आप बिगनर हो, आपने कभी भी एक भी चिनअप नहीं करी तो भाई आप ये कर लोगे, आपको ये करना है। कुछ दिन तक आप ये करो, कुछ दिन तक क्या, 4-4, 5-5 दिन में आपके भाई पावर जनरेट हो जाएगी। हैबिट का ही सारा चीज़ होता है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता पहले, धीरे धीरे ही हम लोग चीज़ें सीखते हैं। एंड उसके बाद भाई लास्ट जो अपना फाइनल स्टेप, अगर आपके पास एक रेजिस्टेंट बैंड हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तो नहीं लिया था, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं कोई अच्छी सी लिंक डाल दे रहा हूँ, आप बाय कर लेना, ठीक है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बैंड लगा के इस तरह से
आप एक पैर में लगा के कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको चिनअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी भाई, आप बिल्कुल स्मूथ जाएंगे। आपसे अगर ये भी नहीं जाती ना, तो जो मैंने बताया जो अपने पिछले तीन स्टेप्स से, उन तीन स्टेप्स के बाद अगर आप ये करोगे तो भाई बिल्कुल आपसे डेफिनेटली चिनअप जाएगी। ठीक है, ये करना है आपको। अगर आपके पास ये नहीं है, आप जिम भी नहीं जाते, अगर जिम जाते हो तो बेंच लगा के भी आप कर सकते हो, मतलब एक पैर रख के पैर से अपनी पावर जनरेट करो। अगर जिम नहीं जाते, अगर आप जैसा मैंने बताया कि हर लोग, मेरे जितने भी आधे फॉलोअर्स हैं, जरूर नहीं उनमें से सारे जिम जाते हैं, अगर भाई आप जिम भी नहीं जा सकते, रेजिस्टेंट बैंड भी नहीं ले सकते, तो भाई आपको क्या एक, मतलब कोई आप अपना पार्टनर देख लो कोई भी, उसको क्या बोलना है आपको, लटकना है ऐसे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, एंड जब ऊपर उठना है आपको पार्टनर को बोलना है कि हल्का सा सपोर्ट करें। अब जब ऊपर आने के बाद जब आपको नीचे आना है, तो जो निगेटिव रेप्स हैं वो भाई आपको कंट्रोल करनी, मतलब उनमें जितना स्लो आ सकते हो आप, एक दो तीन, कम से कम 3 सेकंड बोल के करो, 3 सेकंड तक पूरा ऊपर से नीचे आने में लगाओ, एंड जब ऊपर जाओ तो अपने पार्टनर को बोलो कि भाई फिर से पुश कर। ठीक है, आप ये भी कर सको, ये अपना चौथा स्टेप है भाई। आप ये चारों चीज़ें अगर देखोगे ना, तो देखोगे भाई अगर आपसे आज एक भी पुशअप नहीं जा रही, अगर एक महीने तक मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं भाई, अगर ये आप ट्राई करोगे ना, तो एक महीने बाद आप देखोगे भाई आपसे 4 से 5 बिल्कुल ईजी जाने लगेंगी भाई, बिल्कुल ईजी बिना स्ट्रगल के। सो ये थी अपनी वीडियो भाई। अभी आप बताओ कि इस तरह का मैं और सिमिलर कंटेंट डालूं, लाइक पुशअप का, कि अगर आपसे पुशअप भी नहीं होती तो पुशअप कैसे ट्राई कर सकते हो, इस तरह का पूरा कंटेंट डालूं। सो उसके लिए आप नीचे बताओ कमेंट्स करके, और इस वीडियो को अच्छा प्यार दो भाई। सो ये थी अपनी वीडियो, ऐसे ही प्यार सपोर्ट दिखाते रहो। बताओ कैसा कंटेंट चाहिए, और नीचे कॉमेंट्स करके मैं सारे लाइक कॉमेंट्स सबके देखता हूँ। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। हाँ थोड़ा पापी मगाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना।